नमस्कार, सिंह ट्रेवल ब्लॉगर की तरफ से एक नई पेशकश। मैं भुज में हूँ, स्वामीनारायण टेम्पल भुज के पास। ये बहुत ही अच्छी जगह है और भुज में दो तीन जगह देखने लायक है। अगर मुझे स्वामीनारायण टेम्पल बहुत ही अच्छी लगी, वाइट मार्बल का बना हुआ है जैसा कुछ हिलाई पड़ रहा है, और यहाँ ठहरने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, लेकिन वेजिटेरियन खाना है। तो स्वामीनारायण टेम्पल का मैं चाहता हूँ ये वॉकर रूम बनाना, साथ मेरी पत्नी भी है, और ये मेरे विजिट का डिफरेंट स्टेजेज है, और यहाँ से मैं फिर रन ऑफ कश की ओर चल जाऊँगा। तो आप देखिए इस वीडियो को और आप देखकर अप्रिशिएट कीजिए, कमेंट कीजिए। स्वामीनारायण मंदिर भुज अद्भुत। मैंने ताजमहल भी देखा, मुझे लग रहा है कि 100 ताजमहल बराबर अकेला है। वाइट मार्बल से बना हुआ बिल्कुल ये परिसर, चारों साइड का एंट्री गेट अद्भुत। बस भुज में एक जगह लगी मुझे कि हाँ ये देखने लायक अद्भुत, 100 ताजमहल बराबर अकेला। ये देखिए वाइट, बिल्कुल वाइट संगमरमर का अद्भुत बना हुआ है। ये मूर्तियाँ नक्काशी, दीवारों पर नक्काशी, एक 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 हर जगह छोटी छोटी नक्काशियाँ, वाइट मार्बल से बना है। गजब सुंदर, गजब का सुंदर, छोटे छोटे हर एक इस पर छोटे छोटे नक्काशी बने हुए, हर मतलब कॉर्नर, कोई जगह बाकी नहीं है। जो ये पिलर्स हैं उसमें, जो पिलर्स बने हुए हैं उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर नक्काशी की हुई है, देखने लायक है, देखने लायक है। भुज का ये स्वामीनारायण मंदिर, वैसे स्वामीनारायण मंदिर हर जगह का बहुत ही खूबसूरत होता है, पर मैंने अब तक बहुत देखे महावीर की मुद्रा है, कृष्ण जी की मुद्रा है, सब तो सारी मुद्रा है। गजब, बंसी बजा रहे हैं राजा, राजा बंसी बजा रहे हैं, कृष्ण जी को बंसी है, सब सारा दृश्य उनका देखो जो ले जा रहे हैं। जन्म उनका हुआ है, जन्म पार कर रहे हैं, पार हो रहा है, सारे दृश्य को बहुत सुंदर दर्शाया गया इसमें, बहुत सुंदर अद्भुत अद्भुत अद्भुत। बस फोटो में तो कुछ ही चीजें कैद हो पा रही है कैमरे के अंदर, पर रियली इसको देखा जाए तो भाई बहुत ही सुंदर है। क्या क्या चीज दिखाया जाए और क्या छोड़ा जाए, मुश्किल है। अद्भुत वाइट संगमरमर का बहुत ही अच्छा अद्भुत सेंटर में डोम, स्वामीनारायण की मूर्ति, हाँ कृष्ण जी की सारी मूर्तियाँ, घनश्याम जी महाराज, सदानंद स्वामी, तो भू जाने के समय यहाँ कोई म्यूजियम और छोटी मोटी चीज़ें हैं, बट ये यहाँ का बहुत ही अच्छा है। जैसे आप देख रहे हैं कि स्वामीनारायण मंदिर बहुत ही अच्छा है, वाइट मार्बल में चारों साइड दिखाई पड़ रहा है, इसका प्रवेश द्वार बहुत ही आकर्षक है। बड़ी अच्छी कलाकृतियों में बनाया गया है, डोम के ऊपर सारी मुद्राएं हैं भगवान कृष्ण की, हाँ।
सारी पिलर्स पर विभिन्न मुद्राओं में चीज़ें बनी हुई हैं। देखिए ये दृश्य, ये देखिए ये दृश्य, ये दृश्य के साथ अद्भुत अद्भुत। जो भक्तों को ठहरने का इंतजाम, अब मैं स्वामीनारायण मंदिर का ब्लॉग बंद कर रहा हूँ। सिंह ट्रेवल ब्लॉगर की तरफ से नमस्कार, और आशा करते हैं कि आप हमें सहयोग दीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि कमेंट भी दीजिए जिससे मैं इम्प्रूव कर सकूं और भी इंकरेजमेंट मिल सके आगे बढ़ने को। ये देखिए एंट्री गेट, इस जगह से एंट्री गेट कितना अच्छा लग रहा है। एंट्री गेट यहाँ। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, सिंह ट्रेवल ब्लॉगर की तरफ से भुज आए, रन ऑफ कच्छ आए, दुनिया रन ऑफ कच्छ को जानती है और आती भी है, तो यहाँ ने वो स्वामी नारायण मंदिर जरूर आए और देखें कि आधुनिक काल में मॉडर्न स्टेज में ऐसा इस प्रकार से आर्किटेक्चर लगता है, पुरानी हजारों साल पहले की आर्किटेक्चर और संस्कृति को स्वामी हरि नारायण ट्रस्ट ने जीवित किया है। आप जरूर आए और देखें और आपको अनुभूति होगी कि किस तरह से चीज़ों को बनाया गया है। एक बार फिर सिंह ट्रेवल ब्लॉगर तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।